अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फो न्यूज। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और चलिए दोस्तों जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब ने सारे फ्लाइट पर जारी किया नया आदेश, घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट पर प्रतिबंध। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो प्यारे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस से पूरा दुनिया परेशान है। मेरे प्यारे दोस्तों देश कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस की महामारी से बचने के लिए देश में 3 मई तक का लॉकडाउन चल रहा है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू विमान पर सऊदी अरब में अगले आदेश तक रोक लगा दी है। उसने साफ साफ कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर किसी भी स्थिति में दूसरे विमान सेवा को अभी चालू नहीं किया जाएगा। सऊदी अरब के आंतरिक मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर इस कदम को एक जरूरी कार्य बताया है। यह प्रतिबंध रविवार से ही लागू हो गया है। सऊदी अरब में रेल सेवा, बस सेवा, टैक्सी सेवा इत्यादि को भी बंद कर रखा गया है और सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को घर से कार्य करने की अनुमति दी गई है। एक टीवी चैनल के माध्यम से सऊदी अरब के प्रवक्ता ने इन सारी जानकारियां दी है। सऊदी अरब ने रविवार को 24 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी थी और यह ढील मात्र उन जगहों के लिए थी यहाँ पर कोरोना वायरस की वस्तु स्थिति नहीं थी। वो सारे जगह को हॉटस्पॉट के रूप में पाए गए थे, उन जगहों का पूर्ण रूप से कर्फ्यू लागू था। सऊदी अरब में यह भी कहा गया है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कुछ दुकानों को दोबारा खोलने की और उन्हें ये कार्य करने की अनुमति है और यह अनुमति 13 मई तक जारी रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब ने आखिरी 24 घंटे में 1223 नए मामले दर्ज किए हैं और कुल मामलों की संख्या बढ़कर 17522 हो गए हैं। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, अल्लाह तबरक व तआला से दुआ कीजिए कि अल्लाह तबरक व तआला इस बीमारी से हम लोगों को शिफा दे और ये जो वायरस हुआ है, ये जो इतनी तेज़ी से फैल रहा है, उसे ख़त्म करें। और आप लोग भी आसपास अपने सफाई बनाए रखिए, साफ़ सुथरा रहिए और इबादत कीजिए, अल्लाह तबरक व तआला से दुआ कीजिए। और ठीक है, रमज़ान का महीना चल रहा है तो खूब इबादत कीजिए और दुआ में हमें भी याद रखिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।